सही जानकारी के लिए क्रिकेट 360 हब को सब्सक्राइब करें। पीसीबी से हाल ही में बर्खास्त किए गए रमीज राजा ने दो पूर्व तेज गेंदबाजों वसीम अकरम और वकार यूनिस को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में वसीम अकरम और वकार यूनिस का नाम मैच फिक्सिंग में आया था। इसके बाद वसीम अकरम को कप्तानी से हटा दिया गया था और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद वकार यूनिस के ऊपर भी फाइन लगाया गया था। हालांकि उसके बाद इन दोनों दिग्गजों की वापसी भी हुई। वकार यूनिस दो बार टीम के हेड कोच रहे। पाकिस्तान में समा टीवी से बातचीत में रमीज राजा ने कहा, मेरे हिसाब से किसी को भी वापस आने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। अगर वसीम अकरम का नाम उसमें था और वो सही से सहयोग नहीं कर रहे थे तो ये बॉर्डरलाइन केस था। अगर मुझे फैसला लेना होता तो उस वक्त मैं उन्हें हमेशा के लिए बैन कर देता। मैं उस वक्त पावर में नहीं था। हमें उनके साथ खेलने और काम करने के लिए कहा गया। किसी को नहीं पता था कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। इसमें कई सारे लोग शामिल थे। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या मजबूरियां थीं। रमीज राजा ने ये भी कहा कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को लेकर भी इनका यही रवैया रहता। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।